नमस्कार, मैं हूं अंकिता सिंह। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। जगदलपुर में लगातार मोटरसाइकिल चोरी की वारदात बढ़ रही थी। वारदातों के बाद शहर के अलग अलग थाने में शिकायत दर्ज कराई गई थी। इस शिकायतों के बाद पुलिस ने एमन साहू के नेतृत्व में बनी टीम के साथ काम कर दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये दोनों आरोपी जगदलपुर के निवासी हैं। इनका नाम गौरव वर्मा और अभिजीत सिंह है। पुलिस की इस सफलता में पुलिस ने दो आरोपियों के साथ 6 गाड़ियां बरामद की हैं। इन दोनों आरोपियों को पकड़कर पुलिस ने उन्हें न्यायिक हिरासत में लेकर इस मामले की आगे भी जांच कर रही है। रिपोर्ट मोहम्मद अल्ताफ, हेमसागर सिदार, CSP सिटी, कोतावली। मामला थाना कोतवाली क्षेत्र का है, जहां पूर्व में शहर के अलग अलग क्षेत्रों जैसे कि संजय बाजार, बालाजी वार्ड, नया मुंडा, बस स्टैंड आदि क्षेत्रों में मोटरसाइकिल चोरी संबंधी जो रिपोर्टें प्राप्त हुई थी, और इन रिपोर्टों के आधार पर आरोपियों और जो मोटरसाइकिल हैं उनकी पतासाजी हेतु थाना प्रभारी कोतवाली एमन साहू के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया था। और इस टीम के द्वारा जो घटना और वारदात हैं उनके आधार पर कुछ संदेहियों की शिनाख्तगी की गई, और इनमें कुछ संदेहियों से पूछताछ भी किया गया, जिनमें गौरव वर्मा निवासी मेटगुड़ा और अभिजीत सिंह निवासी महारानी वार्ड, इनको भी इस मामले में पूछताछ किया गया। और पूछताछ के दौरान इन्होंने 6 मोटरसाइकिलें शहर में चोरी करने संबंधी जो वारदात को अंजाम देना स्वीकार किया गया है, और दोनों के कब्जे से जो है 6 लाख मोटरसाइकिलें जिनमें बुलेट, KTM, एक्टिवा सहित अन्य मोटरसाइकिलें शामिल हैं, उन्हें जो है इस मामले में बरामद किया गया है, जिनमें 4 मामलों पर थाना कोतवाली में, 1 में थाना बोधघाट में चोरी संबंधी अपराध जो है दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा था, और उक्त 6 मोटरसाइकिलें इस मामले में जब्त की गई हैं, जिनकी अनुमानित कीमत करीब 4 लाख रुपए है। और वर्तमान में गौरव वर्मा और अभिजीत सिंह दोनों आरोपियों को चोरी संबंधी मामलों में गिरफ्तार कर लिया गया है, और उन्हें न्यायिक रिमांड पर न्यायालय भेजा जा रहा है, और यह मामला थाना कोतवाली के अंतर्गत विवेचनाधीन है।